नमस्कार दोस्तों, डिलीशियस फूड बाय रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम छेने का रसगुल्ला बनाना सीखेंगे। रसगुल्ला बनाना बहुत ही आसान है। आज हम जिस तरीके से रसगुल्ला बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होने वाला है। आशा करती हूँ आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, शायद आप मार्केट का रसगुल्ला लेना भूल जाएंगे। तो आइए अब हम रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। छेने का रसगुल्ला बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 लीटर गाय का दूध। गाय के दूध का मिठाई अच्छा बनता है, इसमें मलाई कम पड़ता है और छेना अच्छा फटता है, इसलिए हम गाय के दूध के लिए ही रिकमेंड करेंगे। ऐसे आप टोंड दूध दूसरे का भी बना सकते हैं। 2 नींबू जिसका हमने रस निचोड़ लिया है और उसमें हमने सेम मात्रा में पानी मिला लिया है। नींबू का रस निचोड़ने के बाद उसे आप छान लें। तो आइए अब हम दूध को उबालते हैं। दूध को उबालने के लिए हम गैस पर चढ़ा दिए हैं। दूध उबालते समय एक बात का खास ध्यान रखें, इसे कंटिन्यूसली चलाते रहे ताकि इसके ऊपर मलाई ना पड़े और दूध नीचे ना पकड़े। अगर दूध पे मलाई पड़ जाएगा तो आपका छेना उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना अच्छा बनना चाहिए, इसलिए इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। आप देख सकते हैं हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस को ऑफ करके इसे नीचे उतार लें। हम दूध को एक उबाल के बाद बंद कर दिए हैं। अब हम इसे 30 से 40 सेकेंड के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे ताकि हमारा छेना बहुत ही बढ़िया बने। अगर हम उबलते दूध में डाल देंगे तो उतना बढ़िया छेना नहीं बन पाता है। दोस्तों, 40 सेकेंड हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हम नींबू का रस और पानी मिला के रखे हुए वो डालना शुरू करेंगे और इसको चलाते रहेंगे। ध्यान रहे इसे गैस ऑफ में ही करें। नींबू के रस को थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें और चलाते रहें। आप नींबू की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका किसी कारण से 2 नींबू में ना छेना बन पाए तो आप और भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नींबू की जगह विनीगर भी डाल सकते हैं। जैसे 2 चम्मच विनीगर लिए तो 2 चम्मच उसमें पानी मिला के आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा छेना कितना बढ़िया, कितना सॉफ्टी सॉफ्टी बन के तैयार हो गया है और छेना अलग और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। हमारे पानी में बिल्कुल दूध की मात्रा नहीं है। आप इसी प्रोसीजर से छेना बनाए, आपका भी छेना बहुत ही बढ़िया बनेगा। अच्छा रसगुल्ला बनाने के लिए हमें छेना अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करें, आपका छेना बहुत बढ़िया बनेगा तो रसगुल्ला भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब हम छेने को छान लेंगे। छेना को छानने के लिए हम कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी भी मलमल का कपड़ा, पतला सा कोई भी कॉटन का कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा छेना अच्छे से उसका पानी अलग हो जाए और छेना अलग हो जाए। छेना को पानी से निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया छेना निकल गया है। अब हम इसका पानी, जो छेने का पानी इसमें है, हल्के हाथ से इसका पानी थोड़ा सा निकाल देंगे। ज़्यादा ना निचोड़े, पानी ज़्यादा ना निचोड़े, हल्के हाथ से इसका पानी निकाल दें ताकि इसमें नमी बनी रहे। जो हम नींबू का जूस डाले हैं उसका खट्टापन इससे निकल जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से इसे धो देंगे ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए। धोने के बाद हम इसे इस तरीके से बांध के इसको नल में टांग देंगे। छेने को कभी ज़्यादा ना निचोड़े। अब इस तरीके से हम इसे नल में टांग देंगे आधे घंटे के लिए ताकि इसका पानी धीरे धीरे करके निकल जाए। दोस्तों, छेना का पानी को बर्बाद ना करें। इसका पानी आप दाल बनाने में, करी बनाने में, आटा गूंदने में, कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब दोबारा इसे रसगुल्ला बनाना चाहे या पनीर बनाना चाहे तब भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आधा घंटा हो चुके हैं। अब हम इस छेने को बर्तन में डाल के अच्छे से मैश करेंगे। दोस्तों, हमारा छेना ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सूखा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का होना चाहिए तो हमारा रसगुल्ला बहुत ही बढ़िया बनेगा। अभी हमारा छेना दानेदार है। अब हम इसे अपने हाथ की इससे इसको मैश करेंगे। मैश करके हम इसे बारीक करेंगे इस तरीके से। आप हल्के हाथ से, ज़्यादा जोर ना दें, हल्के हाथ से इसे मैश करें। हमारा छेना ड्राई नहीं होना चाहिए, हमें इस तरीके, अगर आप ज़्यादा प्रेशर करके इसे मैश करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा।
इसलिए हल्के हाथ से इसे मैश करना है, मिल भी जाए और हमारा छेना भी मस्त मस्त तैयार हो जाए। जब तक ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे मैश करते रहेंगे लगभग 5 से 6 मिनट। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा छेना बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मैश हो चुका है। इसका दूसरा तरीका है चेक करने का, आप एक छोटा सा गोला लें और हल्के हाथ से गोला बनाएं, फिर इसे देखें कि कहीं से फटा तो नहीं। आप देख पा रहे कितना चिकना कितना सुंदर, चारों तरफ से आप देखें तो ये हमारा मैश हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाल के इसे 2 मिनट तक मैश करेंगे। मैदा हम छेना में इसलिए डालते हैं कि इसकी बाइंडिंग अच्छी बन जाती है और ये रस में जाके फटता नहीं है। अगर आपके पास मैदा ना हो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें 1 स्पून ही डालें, ज़्यादा ना डालें। अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से मिला लें। छेने का रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे मेन पार्ट है छेने को अच्छे से मैश करना। आपका रसगुल्ला इसी पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से छेने को मैश करते हैं। आप जितने अच्छे से छेना को मैश करेंगे आपका रसगुल्ला उतना ही बढ़िया बनेगा, उतना ही फूला फूला बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। आप इसे बहुत ही अच्छे से मैश करें। हमारा छेना बिल्कुल मैदा डाल के भी मैश हो चुका है। लगभग इसे हमें मैश करने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अब हम चाशनी बनाना शुरू कर रहे हैं। चाशनी बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लगभग 250 ग्राम चीनी। जिस कटोरी से आप चीनी डालें उसी कटोरी से लगभग 5 गुना ज़्यादा पानी डालें। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे हम चीनी और पानी को मिलाएंगे। इसे अच्छे से चलाएं ताकि ये मिल जाए। दोस्तों पानी इससे ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं होता है और ज़्यादा गाढ़ा भी रसगुल्ला के लिए सही नहीं है। इतना पानी सही है ताकि रसगुल्ले में रस अच्छे से घुस जाए। चाशनी को बीच बीच में कंटिन्यूसली चलाते रहे। 2 मिनट हो चुका है। अब हम छेने का बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, बॉल्स छोटा ही बनाएं, क्योंकि चाशनी में जाने के बाद ये डबल साइज का हो जाता है। अब देखें इतना सुंदर, इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को बना लेंगे। हमारे सारे गोले बन चुके हैं। आप भी इसी तरीके से सारे गोले को एक ही साइज में बना लें। हमारा चाशनी अब उबल चुका है। हम अब एक एक करके गोले को चाशनी में डालेंगे। हमारा चाशनी बिल्कुल उबल रहे। अब हम एक एक करके इसमें गोले को डालेंगे। एक बात का खास ख्याल रखें, इसमें चाशनी हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए। एक डालने के बाद आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड रुक जाए, फिर दूसरा डालें। इसी प्रकार से एक एक करके सबको डाल दें। चाशनी हमारा गर्म ही होना चाहिए। हम एक एक करके सारे गोले को इसमें डाल चुके हैं। आप देख पा रहे इसे 4 मिनट तक इसी तरीके से खुले में हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसे हम किसी भी चीज़ से चलाना नहीं है, हमें इसको पलटना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। 4 मिनट तक हम इसी तरीके से पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। आप देख पा रहे हमारे रसगुल्ले का साइज बिल्कुल डबल हो चुका है। अब हम इसे सबको पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। पलटने के बाद हम इसे फिर से 6-7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। इस तरीके से सबको पलट दें। अब हम इसे दोबारा 6 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। और एक बात ध्यान में रखने वाली, अगर आपका चाशनी कम हो जाए या गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें गर्म पानी करके थोड़ा सा डाल सकते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो आपका रसगुल्ला खराब हो जाएगा। 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे हटा के चेक कर लेंगे। आप देख पा रहे हमारा रसगुल्ला लाजवाब बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए इसी में छोड़ देंगे। आशा करती हूँ आप भी इसी तरीके से रसगुल्ला बनाएं, आपका भी रसगुल्ला लाजवाब बनके तैयार होगा। अब हमारा रसगुल्ला थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। दोस्तों ये देखने के लिए कि हमारा रसगुल्ला अच्छे से पका है कि नहीं, हम इसे एक नॉर्मल पानी में ग्लास में डाल के देखेंगे। अगर ये रसगुल्ला पानी में नीचे चला गया तो ये बिल्कुल पका हुआ है, अगर ऊपर आ जाता है तो ये नहीं पका है।
आप देख पा रहे हैं हमारा रसगुल्ला बिल्कुल नीचे जाके बैठ गया है, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। आप देख पा रहे हैं हमारा रसगुल्ला कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी, कितना वंडरफुल बन के तैयार हो चुका है। आप देखें ये कितना स्पंजी। दोस्तों अब हम इसे 4 घंटे के लिए लगभग ढक के बाहर ही छोड़ेंगे। इस दौरान आप इसे रसगुल्ला को फ्रिज में ना रखें, 4 घंटे के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और मस्त ठंडा ठंडा मज़ेदार टेस्टी वंडरफुल रसगुल्ला का मजे लीजिए। दोस्तों ये था आपका रसगुल्ला, आशा है आपको ये पसंद आएगा। आपने देखा ये रसगुल्ला कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार हुआ है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर एक बार बनाएं। शायद आप एक बार बनाएंगे तो मार्केट का रसगुल्ला ज़रूर भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें, साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और अगला रेसिपी आप कौन सा देखना पसंद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।